और चलिए पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की इस हड़ताल पर हमारे विभिन्न सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जयपुर से, तो वहीं भवानी भाटी जोधपुर से हमारे साथ लाइव हैं, तो बीकानेर से रौनक व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देवेंद्र सिंह भरतपुर से जुड़ चुके हैं, तो वहीं हरनेक सिंह गंगानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इनसे जानेंगे क्या कुछ हाल है। सबसे पहले दीपक मैं आपके पास आना चाहूंगी, पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल जारी है और ऐसे में बड़ी बात ये देखने को आई कि राजधानी जयपुर में कुछ एक पेट्रोल पंप हैं जो अभी भी खुले हैं और कुछ पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरी हड़ताल को लेकर? देखिए, दो दिन तक सांकेतिक हड़ताल थी, यानी कि आठ आठ घंटे तक पेट्रोल डीजल लोगों को नहीं मिला। आज सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल है और आज जो तस्वीरें जयपुर शहर और पूरे प्रदेश भर से निकल कर आ रही है उसमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो RPDA है, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, जिसने दावा किया था कि 6712 पेट्रोल पंपों पर अनिश्चितकालीन यानी कि बेमियादी बंद रहेगा, कोई भी पेट्रोल पंप नहीं खुलेगा, लेकिन शायद लगता है कि पेट्रोल पंप संचालकों में अलग अलग धड़े हो चुके हैं। पहले ही सांकेतिक हड़ताल से पहले अलवर जिले ने इस पूरी हड़ताल से अपने को दूर रखा, दूसरा जोधपुर ने कलेक्टर को पत्र लिखकर इस हड़ताल से दूर रखा है, और तीसरा जयपुर शहर की तस्वीरें हमने अभी कुछ देर पहले दिखाई कि जो डीलर्स के जो पेट्रोल पंप हैं वो खुले हुए हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये कोको पेट्रोल पंप है कंपनी द्वारा संचालित, इसकी जो तस्वीरें आप नज़र आ रही है कि आपको कितनी लंबी कतारें चौपहिया वाहनों की नज़र आ रही है। इस पेट्रोल पंप पर सड़क जाम होने की स्थिति है। होम डिपार्टमेंट ने सभी जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाले रखें, क्योंकि जहां कंपनी के पेट्रोल पंप है वहां ज़्यादा भीड़ उमड़ सकती है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये तस्वीर 22 गोदाम स्थित भारत पेट्रोलियम पंप, जो कि कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है, उसकी तस्वीरें हैं। लोग बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, वर्किंग डे है, सुबह का समय है, लोगों के दफ्तर जाने का समय है। जिन लोगों ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं भरवाया था वो कतारों में लगे हुए हैं। सर, हड़ताल चल रही है, आप भी लंबे समय से लाइन में लगे हुए हैं, क्या मानते हैं वेट कम होना चाहिए और पेट्रोल पंप जो हड़ताल कर रहे हैं वो सही है? सही तो नहीं है, यातायात को प्रॉब्लम हो रही है, तो बट क्या कर सकते हैं। वेट भी कम होना चाहिए सर, पेट्रोल डीजल में ज्यादा बिल्कुल होना चाहिए, कम होना चाहिए बिल्कुल। तो सर, आपने को जानकारी नहीं थी कि हड़ताल है और लंबी? सर, जानकारी थी, बट अभी रेगुलर अभी मार्केट ड्यूटी है तो फिर पेट्रोल तो खर्च होता ही है, तो हम रेगुलर भरवाने वाले हैं। रेगुलर भरवाने वाले बिल्कुल सही बात है कि जिन लोगों की प्रतिदिन जो लोग भरवाते हैं उनकी मार्केट ड्यूटी रहती है और उनको पेट्रोल की जरूरत होती है। देखिए, पेट्रोल राजधानी की यदि हम बात करें तो डीजल में 93.78 है और पेट्रोल की बात करें तो 108 रुपये के करीब पेट्रोल है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं इसी पेट्रोल पंप की, कि किस तरीके से जद्दोजहद करते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दीपक, तो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और वही बीकानेर से हमारे सहयोगी रौनक व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, बीकानेर में पेट्रोल पंप बंद के क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, बंद का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आप देखिए पिछले 2 दिनों से जो सांकेतिक हड़ताल पर पेट्रोल पंप संचालक चल रहे थे, आज पूरी तरह से सुबह 6 बजे के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पेट्रोल पंप संचालक चले गए। हालांकि देखिए, कैमरा सहयोगी घनश्याम से कहूं, वो दिखाएं यहाँ की तस्वीरें, पूरी तरह से सन्नाटा यहाँ पर पेट्रोल पंप्स पर दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से हड़ताल का जो आह्वान किया है उसका व्यापक असर जो है बीकानेर के पेट्रोल पंप्स पर देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से यहाँ पर आप देखिए कि बैरिकेटिंग यहाँ पर कर दी गई है पेट्रोल पंप्स के बाहर, ताकि आम जनता जो पहुँचती है वो ना आ पाए। पूरी तरह से कहा जा सकता है कि व्यापक असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए, कंपनियों द्वारा संचालित जो 2 पेट्रोल पंप है, चाहे बात करूं बीकानेर के खारा की और जामसर की, तो वहां पर 2 पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं और जहां पर पेट्रोल पंप को पेट्रोल लेने के लिए लोगों की भारी संख्या में जो है वो कतारें देखने को मिल रही है, जिस तरह की खबरें हमारे पास आ रही है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि 225 के करीब ऐसे पेट्रोल पंप है जो यहाँ पर हड़ताल पर चले गए हैं, बंद है, और पिछले 2 दिनों में बात करूं 50 करोड़ से अधिक का नुकसान राजस्व को हुआ है पेट्रोल पंप संचालकों की इस हड़ताल के चलते। अनिश्चितकालीन हड़ताल है, ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जनता के सामने परेशानियां यहां पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से सन्नाटा यहां पर पसरा है,
लोगों का आना जाना बिल्कुल आप देखिए पूरी तरह से थम गया है पेट्रोल पंप पर। और जिस तरह से दो दिन से लगातार संचालकों की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर उनके मांगे नहीं मानी जाती है, वेट कम करने की जो मांग लगातार संचालक कर रहे थे वो नहीं मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं व्यापक असर जो है वो आम जनता को झेलना पड़ सकता है हड़ताल का। यहाँ पे जो जो वर्कर से मैं बात करता हूँ, पूरी तरह से आप लोगों ने बैरिकेडिंग कर दी है और यहाँ पर बंद कर दिया पेट्रोल पंप? बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। दो दिन पहले 13 व 14 तारीख को सांकेतिक हड़ताल की थी, लेकिन सरकार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इसीलिए अभी डीलर एसोसिएशन ने निर्णय किया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आप लोगों ने बैरिकेडिंग क्यों की है, क्या वजह, ताकि लोग बिल्कुल पूर्ण हड़ताल करने के लिए, पूरा हड़ताल का समर्थन करने के लिए बैरिकेड किया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की तस्वीर है, जो एसोसिएशन है उनके द्वारा जो मीटिंग की गई थी और उसका व्यापक असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये कहा जा सकता है कि बीकानेर में पूरी तरह से 225 के करीब पूरे जिले में जो है पेट्रोल पंप आज बंद रहेंगे और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल रौनक, क्योंकि 225 पेट्रोल पंप जो है वो बंद रहेंगे। और वही गंगानगर से हमारे सहयोगी हरनेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरनेक, गंगानगर में क्या कुछ हाल देखने को मिल रहा है? पंजाब बॉर्डर पास में पड़ता है, कई तरह की खबरें भी आई। माधुरी, सबसे पहले मैं जी राजस्थान के दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि गंगानगर एक ऐसा जिला है जो पूरे देश के अंदर सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल जो है वो खरीदता है। और कहीं ना कहीं अगर गंगानगर जिले की बात की जाए तो 170 से ज्यादा पेट्रोल पंप है जो इस हड़ताल के अंदर शामिल है। लेकिन उन लोगों की दो प्रकार की समस्या है पूरे राजस्थान में। जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उनकी एक समस्या है कि जो पेट्रोल और डीजल के रेट हैं उनको जीएसटी के दायरे में लाया जाए और रेट जो है उसका कम किया जाए। लेकिन गंगानगर के लोगों की जो पेट्रोल पंप संचालक है उनकी डबल समस्या है। एक तो गंगानगर में, और जयपुर की बात करें तो जयपुर से गंगानगर में 7 रुपये। चलिए, गंगानगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जो बंद का असर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और चलिए हम एक बार फिर से रुक करेंगे हरनेक का, लेकिन उससे पहले आपको जोधपुर लिए चलते हैं जहां पर भवानी भाटी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि जोधपुर ने इस पूरी हड़ताल से अलग रहने का फैसला किया है, ऐसे में जोधपुर में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। भवानी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की ओर से लगातार जो है वेट कम करने की मांग को लेकर सांकेतिक हड़ताल की जा रही थी, और उसके बाद जिस सरकार और जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उसके बीच में किसी तरह का निर्णय नहीं निकल पाया था, उसके बाद में आज से प्रदेश भर में जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई। लेकिन कहीं ना कहीं एक डीलर, राजस्थान डीलर्स एसोसिएशन जोधपुर की ओर से एक लेटर जारी किया जाता है जिला कलेक्टर के नाम, और उसमें आज की जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है उसमें शामिल नहीं होने का हवाला दिया जाता है। उसका जो उदाहरण है आप देख सकते हैं, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में, कि जोधपुर के तमाम जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल की बिक्री है वो नियमित रूप से की जा रही है। तमाम कस्टमर्स यहाँ पहुँच रहे हैं और जो अपने वाहन हैं उन वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से मीडिया में इस तरह का बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पेट्रोलियम एसोसिएशन की द्वारा जो लगातार अपनी मांग को लेकर के सांकेतिक हड़ताल की जा रही थी, और उसके बाद में जब आज अनिश्चितकालीन हड़ताल की राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन की ओर से घोषणा की जाती है, और उसके बाद जो कई डीलर्स एसोसिएशन हैं, जिला स्तरीय हैं चाहे संभाग स्तरीय है, उन तमाम लोगों ने जो है एक कहीं ना कहीं इस हड़ताल में शामिल नहीं होने का निर्णय किया, और उसी का नतीजा है कि आज जो तमाम पेट्रोल पंप है, जोधपुर शहर की बात करें तो शहर के जो तमाम पेट्रोल पंप है वहाँ पर जो लगातार है वो पेट्रोल और डीजल की बिक्री की जा रही है। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये देख सकते हैं आप, जो पेट्रोल पंप पे तैनात सेल्समैन है वो लगातार यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री कर रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे जानेंगे। आपको पता है आज किस दिन काले हड़ताल इसलिए हो रहा है सर? आप बताए, आप आज हड़ताल की घोषणा की गई थी, आज आप पेट्रोल सेल कर रहे हैं? तो हमारे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया अभी तक सर।
तो देखा जो यहाँ पर सेल्समैन है वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि उनके पास इस तरह की हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसा कोई मैसेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन है उसमें या फिर गुटबाजी जैसी बात भी सामने हो सकती है कि राजस्थान डीलर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने राजस्थान हड़ताल की घोषणा की, लेकिन स्थानीय स्तर के जो डीलर्स हैं, जो एसोसिएशन हैं, उनके द्वारा जिला कलेक्टर को जिस तरह से लेटर जारी किया गया, तो इससे साफ तौर पर जो पेट्रोल की हड़ताल है वो यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। जी बिल्कुल भवानी, तो कहीं जोधपुर में कहीं भी किसी तरह का बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है। पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लगातार लग रही है। और एक बार फिर से रुक करेंगे श्रीगंगानगर से जुड़े हमारे सहयोगी हरनेक का। हरनेक, क्या कुछ असर बंद का दिख रहा है, क्या कुछ मांग वहां पर की जा रही है? जी माधुरी, मैं आपको बता रहा था कि गंगानगर जिले के 175 पंप शामिल है और गंगानगर जिले के पंप जो है वो बंद है। और गंगानगर जिले के अगर बात की जाए तो इसके अंदर गंगानगर जिला एक ऐसा जिला है जो देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल जो है यहाँ पे खरीदता है। गंगानगर में पेट्रोल 113.70 रुपए लीटर है और डीजल वहीं अगर बात की जाए तो 96.40 रुपए लीटर यहाँ पे मिल रहा है। वहीं अगर 2 किलोमीटर दूर पंजाब राज्य की बात की जाए तो वहाँ पेट्रोल जो है वो 98 रुपए लीटर है और डीजल जो है वो वहाँ पे 90 रुपए लीटर के करीब मिल रहा है। और इस वक्त हम पंजाब के जो पेट्रोल पंप है वहां से हैं और मेरे कैमरामैन सहयोगी आपको दिखाएंगे कि ये तमाम जो राजस्थान के लोग ही हैं जो यहां पे तेल लेने के लिए यहां पे पहुंचे हैं और जो नाइट जो स्लीपर कोच बसें चलती हैं वो भी जो गंगानगर से लगभग 200 बसें रोजाना यहां से निकलती हैं और ये भी तेल लेने के लिए यहाँ पे पहुंचती हैं। और अगर पिछले 2 दिन की बात की जाए तो गंगानगर जिले के लगभग पंजाब से जो है लगातार जो है पेट्रोल पंप संचालकों की जहां पर एक और हड़ताल जारी है तो वहीं पे लोगों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच हमारे भरतपुर से सहयोगी देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, भरतपुर में पेट्रोल पंप बंद हड़ताल का जो असर है वो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, भरतपुर सीमावर्ती जिला है, भरतपुर और डीग जो जिला है उसके 182 पेट्रोल पंप आज हड़ताल के चलते बंद हैं। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंद का व्यापक असर यहां पर देखने को मिल रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल है। देखिए, सुबह से ही जिन पेट्रोल पंपों पे लंबी कतारें लगी रहती थी, लोग आ रहे हैं लेकिन उनको बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप की हड़ताल है। हमारे साथ यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भरवाने के लिए आए हैं पूर्व सरपंच है हरिराम डागुर, इनसे बताएंगे किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभी आमजन को काफी परेशानी आ रही है और जो दैनिक काम है उनमें आने जाने में बहुत समस्या आ रही है। यूपी हमारी बगल का स्टेट है और हमको सरकार को राहत देनी चाहिए, वैट कम करना चाहिए। भरतपुर और यूपी में तो पेट्रोल में राजस्थान के अंदर ही 11 रुपए का अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है, ये हमारे लोगों के साथ ही अन्याय हो रहा है भरतपुर जिले वालों को और इसमें सरकार को वैट कम करना चाहिए, अपनी हर धर्मता से पीछे हटना चाहिए। तो इनका कहना है सरकार को वैट कम करना चाहिए। भरतपुर की बात करें, भरतपुर और डी की, क्योंकि यूपी से लगता हुआ इलाका, यूपी और राजस्थान की बात करें तो 11 रुपए का अंतर है। और आप देख सकते हैं किस तरह की कतारें हैं, लगातार लोग आ रहे हैं लेकिन उनको बताया जा रहा है कि हड़ताल है और हड़ताल के चलते उन्हें वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि पेट्रोल पंपों पर क्योंकि जिस तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही गई है। आप कहाँ से आए, किस तरह की परेशानी सामने? डीजल ना आने से सब कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ काम आ जा रहे हैं भरतपुर से। हड़ताल की वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इनका कहना है कि डीजल पेट्रोल नहीं मिल पा रहे हैं और यही वजह है कि इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी का यह कहना है कि सरकार को वैट कम करना चाहिए। और भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में खासी परेशानी इस बात को लेकर है कि भरतपुर और जो यहाँ का जो यूपी से लगता हुआ इलाका है, यहाँ के जो पेट्रोल पंप है बॉर्डर से लगते हुए पेट्रोल पंप है, उनकी बंद होने के कगार पे लगातार ये मांग, मुख्यमंत्री जब भी भरतपुर दौरे पे आए तो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है जो भरतपुर की है उसने लगातार मांग की कि सबसे ज्यादा नुकसान क्योंकि बॉर्डर का जिला होने की वजह से लोग यहां से पेट्रोल पंप लेने के लिए जी बिल्कुल देवेंद्र, तो ये हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ राजस्थान के तमाम जिलों से जुड़े थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से राजस्थान में पेट्रोल पंप जो बंद हो रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर संचालक जा चुके हैं, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं वैट पर